तो एक बार फिर आप मेरे चैनल में आए, इसका नाम है सम्राट गेम वी के। आज बात करेंगे मोस्ट पावरफुल कसुए के गेम्स के बारे में, यानी कि वो पावरफुल गेम है जिसमें टेकन 7 जैसा कसुया पावरफुल है, लाइक टेकन 7 जैसी गेम है जिसमें कसुया है मोस्ट पावरफुल। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो, उम्मीद है अच्छी लगेगी आपको। तो करते हैं शुरू सुपर पावर पंच के साथ कसुया। पावरफुल है और प्लेयर से क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है अपने डबल पावर पर ही। हाँ तो टेकन 7 जैसा नहीं पड़े और चीज हो सकता है भाई, तो उसमें से ज़्यादा उसमें एक स्ट्रॉन्ग एस कैरेक्टर यानी खुद एक बॉस कैरेक्टर, और इसके इसलिए इसकी वजह से इसके सामने कोई कैरेक्टर नहीं टिक सकता। लेकिन और भी प्लेयर्स हैं जैसे कि, पर वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे कि जो है टेबल पावर की अलग कॉम्पोज होती है और नॉर्मल मोड में अलग कॉम्पोज, तो इसी वजह से नंबर 1 पे यही है मोस्ट पावरफुल टेकन टैग टूर्नामेंट। अगले की तरफ बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। फ्रेंड्स अगली गेम आती है टेकन टैग टूर्नामेंट 2। टेकन टैग टूर्नामेंट 2 में केवल कसुई अलग से नहीं दिखाई नहीं देता पर लेकिन कसुई मिलता है और कसुई ट्रांसफॉर्म हो सकता है फिर से टेबल फॉर्म में, और इसमें वही बात है कि अलग कॉम्बोस और अलग फीचर, पर लेकिन ग्राफिक्स पहले से अच्छी और इसमें अदर टेकन गेम्स के कैरेक्टर्स भी जैसे कि टेकन 5 के टेकन 6 के, तो टेकन 6 तक कह सकते हैं, टेकन 3 से लेकर टेकन 6 तक के कैरेक्टर इसमें अवेलेबल हैं। इसमें कसुईया मोस्ट पावरफुल है इसमें भी, और हालांकि ट्रांसफॉर्म करना आना चाहिए आपको, ट्रांसफॉर्म वेरी इजीली हो जाता है और इसमें फाइटिंग कॉम्बोस भी है, आप आराम से कर खेल सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगली तरफ जो है नंबर 3। फ्रेंड्स अगली गेम आती है सुपर स्मैश ब्रदर्स ब्रोस अल्टीमेट। सुपर स्मैश ब्रदर्स ब्रोस अल्टीमेट कसुईया टेकन 7 कसुईया है, देखा जाए टेकन टैग टूर्नामेंट 2 काफ़ी बड़ी गेम है, सेटअप काफ़ी बड़ा है मतलब 15 GB का, तो सुपर स्मैश ब्रदर्स ब्रोस अल्टीमेट में भी कसुईया है और ये टेकन 7 वाला कसुईया है, ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है एंड 2 डबल पावर पर ट्रांसफॉर्म हो सकता है, डबल फॉर्म 2 है इसके पास टेकन 7 की बात करें। और उसके बाद आप अगली तरफ बढ़ते हैं जो कि है नंबर 4, और ये मेरा फेवरेट भी नंबर 4, ये मैंने आखिर बचा के रखा है, पर वो नंबर 4 इसलिए भी है क्योंकि इसमें स्टोरी मोड के हिसाब से, स्टोरी मोड के जैसे कि आपने टेकन 7 स्टोरी मोड में देखा है कि कसुईया टेबल फॉर्म पावर यूज़ कर सकता है बिना टेबल में चेंज हुए, तो उस तरह की होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, और हाँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। फिर मिलते हैं आप अभी खराब नई वीडियो लास्ट बाकी है नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स टेकन 4 टॉप 4 में पहुंचने से पहले आपको टेकन का एक और फैक्ट बता दें, टेवन के टेकन 4 से कसुईया की आँख मतलब एक आँख रेड आइज दिखाई है, जिसकी वजह से ये दिखाया गया है कि उसकी टेबल पावर भी उसके साथ है और वो मतलब वो टेबल पावर यूज़ कर सकता है बिना ट्रांसफॉर्म हुए, कि टेकन 4 स्टोरी में बताया गया कि वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है पर
टेकन फोर या फिर टेकन सेवन को छोड़ के टेकन की मतलब 4, 5, 6 गेम में किसी में भी मैं ऐसा नहीं मतलब नहीं मिला कि ट्रांसफॉर्म हो सके डेवल पावर मतलब डेवल फॉर्म में या फिर डेवल फॉर्म वाला का सूर्य अलग से भी अवेलेबल नहीं था सिर्फ टेकन टेक टूर्नामेंट गेम्स को छोड़कर। हालांकि टेकन टेक टूर्नामेंट गेम में हमें देखने को मिला कि सूर्य ट्रांसफॉर्म हो सकता है डेवल पावर पर, पर मेन टेकन गेम्स की सीरीज में देखने को नहीं मिला। फिर लास्ट टेकन सेवन आई जिसमें सूर्य ट्रांसफॉर्म हो सकता है डेवल पावर्स में मतलब डेवल फॉर्म में। और अब बताएंगे आपको टॉप फोर में चलते हैं जिसमें कजुया टेकन सेवन स्टोरी मोड की ही तरह बिना ट्रांसफॉर्म हुए मतलब लेजर बीम छोड़ सकता है अपने हेड से, सीधी बात बिना ट्रांसफॉर्म हुए लेजर मतलब डेवल पावर यूज कर सकता है। तो उसकी बता चलते हैं टॉप फोर, आपने गेस्ट कर लिया तो अच्छी बात है, तो बताते हैं तो चलिए चलते हैं स्टार्ट करते हैं टॉप फोर, जल्दी चलो यार फ्रेंड्स। अगली फाइनली नंबर फोर पे स्ट्रीट फाइटर एक्स टेकन, और इसमें टेकन थ्री और टेकन सिक्स के प्लेयर्स है यानी ओगर है और बाकी के लिए कैरेक्टर्स तो है ही है, और स्ट्रीट फाइटर के भी मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर हैं लगभग सभी है। तो फ्रेंड्स यही है वो गेम जिसमें टेकन सेवन स्टोरी मोड में कज़ियो को देखा होगा कि वो यूज़ कर सकता है बिना ट्रांसफॉर्म हुए अपनी डेवल पावर लेजर बीम, वैसे इसमें भी यूज़ कर सकता है बिना ट्रांसफॉर्म हुए कज़ुया लेज़र बीम और जिन भी कर सकता है डेवल पावर यूज़ कर सकते हैं दोनों बिना ट्रांसफॉर्म हुए। और ये बहुत अच्छी गेम है, इसके अलावा ये 2GB रैम में चल जाती है और ये ग्लो ग्राफिक में भी चल जाता है, बहुत अच्छी गेम है। और फ्रेंड्स वीडियो एंड होने वाली है तो आप अभी छोड़ के मत जाइए, आप कुछ बताना चाहता हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं इसका गेम प्ले क्यों नहीं डाल सकता, गेम प्ले नहीं डाल सकता अभी फ़िलहाल क्योंकि सपोर्ट स्क्रीन रिकॉर्ड भी सपोर्ट करना चाहिए कंप्यूटर को, तो उस हिसाब से नहीं हो पाता। और हाँ मेरे पास गेम है, और इसके अलावा उम्मीद करता हूँ कि बस टेकन कोई ना कोई गेम जरूर होगी, गेम है तो अच्छी बात है। और मैं बता दूँ कि भले ही बहुत से लोग टेकन की कोई गेम बहुत सेवन डाउनलोड नहीं कर सकते पर टेकन टैग तो रख ही सकते हैं, टेकन टैग आप चला सकते हैं अपने PS2 के मुलर में भी या फिर कोई और मिलर में भी। तो टेकन टैग टूर्नामेंट का पावरफुल कज़ुया तो आप यूज़ कर सकते हैं, यंग कज़ुया मतलब देखा जाए तो वो यंग कज़ुया है। फ्रेंड्स करते वीडियो का एंड और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इसी चैनल पे, तो कहीं जाइएगा नहीं, और ऊपर से आप देख सकते हैं इसी चैनल के 100 अमेजिंग वीडियोस। और हाँ अब तक मेरी वीडियो शायद ना पहुँच रही हो तो इसलिए नोटिफिकेशन ऑन रखिए, और हो सके तो मेरे चैनल में हर दिन आते रहिए या कभी कभी आते रहिए। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, बाय बाय टाटा।